कि मैं आज खड़ा हूँ तो इसके साथ, इसके लिए बाबा साहब लड़े हैं। जो मेरे पास दौलत है वो बाबा साहब की बदौलत है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। केवल लड़कियों का पैर सुनेंगे, लड़की पैदा ही नहीं करने देंगे, लड़कियों को कन्या खवा देंगे, कन्या को बुला के साल में एक बार खवा देंगे, माला डाल देंगे। अरे बेटी जब पढ़ने जाए स्कूल में, परीक्षा देने जाए, उसी उसको माला डालिए, उसको दही खिलाइए, तब मैं मानूंगा कि हाँ आपने लड़की के लिए सम्मान दिया। एक ओशो ने लिखा है, जिस देश की मंदिर और मस्जिद की छतें सोने से मरी हो और विद्यालय की छत चू रही हो, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। देना है जो पैसा हम मंदिर मस्जिद में देते हैं, वो अगर स्कूल में दें, जिस दिन स्कूल की दीवारें, स्कूल की छत सही हो जाएगी, उस दिन उस देश का विकास निश्चित। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि जिस दिन हम देवालय के जगह शिक्षालय की ओर प्रस्थान करेंगे, वो देश उसी, वो देश हमारा देश विकसित देशों में होगा। माननीय पुनीत भारती जी प्रधानाचार्य कॉलेज आए मंच पर अपनी बात रखें। माननीय पुनीत भारती और संबंधों में अपनी बात रखें, क्योंकि आधा घंटे के अंदर कार्यक्रम समाप्त करना है। सबसे पहले मैं संचालक महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप सभी से आग्रह करेंगे, क्योंकि छात्राओं के सम्मान समारोह का कार्यक्रम है, इसमें छात्राओं की सहभागिता अधिक से अधिक होनी चाहिए और उनका वक्तव्य भी होना चाहिए। मैं सबसे पहले नारा बोलूँगा, जो हमारी माताएं इस देश के महापुरुषों को पैदा कर इस देश को समतावादी मूलक समाज को स्थापित करने में अपना योगदान दी, ऐसी माता रमाबाई अम्बेडकर अमर रहे। जरा जोर से नारा बोलेंगे, रमाबाई अम्बेडकर अमर रहे, माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे, माता जीजाबाई अमर रहे, माता भीमाबाई अमर रहे, अहिल्याबाई होलकर अमर रहे, वीरांगना सरकारीबाई अमर रहे, माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे। धन्यवाद आप सभी को यहाँ देख करके बड़ा खुशी हो रही है। मैं आचार्य नरेंद्र देव इंटर कॉलेज का प्रधानाचार्य हूँ और मेरे यहाँ लगभग 1300 छात्र पढ़ते हैं। मेरा सबसे अच्छा समय कहने में बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि 1300 में 700 लड़कियाँ पढ़ती हैं, 1300 छात्राओं में 700 लड़कियाँ पढ़ती हैं। अभी हाल ही में केनरा बैंक ने प्रत्येक क्लास के एक एक बच्ची को लिए, जो सबसे कमजोर वर्ग से आते हैं, पढ़ने में ठीक है, उन्हें 5,000 रुपए केनरा बैंक ने पुरस्कार दिया है। और मैं अपने विद्यालय में और साथ साथ समाज के सभी जगहों पे कहता हूँ कि कोई भी अनाथ बच्चा पढ़ाई से दूर ना हो जाए, उसके लिए मैं अपने वेतन से, बाबा साहब ने मुझे इस कदम यहाँ खड़ा किया है, कहते हैं कि मैं आज खड़ा हूँ तो इसके साथ, इसके लिए बाबा साहब लड़े हैं। जो मेरे पास दौलत है वो बाबा साहब की बदौलत है। आज मेरे पास बाबा साहब की बदौलत से लगभग 1,25,000 रुपए वेतन मिलते हैं। और मैं इस बात को खुले मन से भी कहता हूँ और उस पैसे से मैं चाहता हूँ कि समाज का जो अंतिम बच्चा जो पढ़ाई से पीछे हो रहा है, वो आगे बढ़ करके समाज को, समाज में अपना स्थान रख पाए, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और दुनिया में सबसे बड़ी ताकत कोई है तो कलम की ताकत है, और कलम की ताकत के आगे कोई ताकत नहीं होती। लेकिन आप ये संज्ञान लें, चाहे वो बुद्ध हुए, बुद्ध से लेकर कबीर से लेकर रविदास से लेकर ज्योतिबा राव फुले, सावित्री बाई फुले और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनको महान बनाने के काम इन माताओं बहनों ने किया है।
यदि माताएं बहनें अगर साथ ना देती तो निश्चित रूप से हमारा समाज बहुत पीछे रहता। बाबा साहब ने जो पढ़ाई की, जो कानून बाबा साहब ने इस देश के लिए संविधान में समय दे करके अपना संविधान में जो अमुक भूमिका निभाए और संविधान को लिखे, उसमें रमाबाई अम्बेडकर का योगदान भूला नहीं जा सकता। कहते हैं एक बार बाबा साहब हिंदू कोर्ट बिल, आज यहाँ पर आने बहुत सारे उपस्थित हैं, माताएं यहाँ उपस्थित हैं, हम हिंदू कोर्ट बिल को नहीं जानते हैं, जो हमारे गुर्जर हैं और जो अग्रज हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं हिंदू कोर्ट बिल के लिए बाबा साहब ने अपने बच्चे को गवा दिया था। जब उनका बच्चा रो रहा था, जब उनका बच्चा अंतिम समय में जब मर गया था राजरतन अम्बेडकर, उसी समय बाबा साहब हिंदू कोर्ट बिल के लिए जा रहे थे। रमाबाई अम्बेडकर इतनी बुद्धिजीवी थी, रमाबाई अम्बेडकर इतनी बुद्धिजीवी थी कि बाबा साहब को हमेशा कोट पैंट में देखना चाहती थी, कंडे उपले बेचती थी, लेकिन बाबा साहब को कोट पैंट पहनाती थी। बाबा साहब जब बच्चे के लिए, बच्चा मर गया था और बाबा साहब जा रहे थे तो कहे बच्चा मर गया आप जा रहे हैं, तो बाबा साहब के आंख से जैसे आंसू निकले, रमाबाई अम्बेडकर समझ गई कि बाबा साहब को जाने के अलावा पैसे नहीं है। रमाबाई अम्बेडकर ने अपने साड़ी के पल्लू से फाड़ करके कफन लगाया और उस बच्चे का दाह संस्कार किया, लेकिन बाबा साहब के आंखों से आंसू देखना पसंद नहीं किया। ऐसी माता रमाबाई अम्बेडकर होनी चाहिए। आज हम देखते हैं, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, हमारे समाज में बहुत अच्छे अधिकारी हैं, बहुत अच्छे अच्छे विद्वान हैं, बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं, हमारे घर के बगल में, हमारे पास पड़ोस में कहीं ऐसा दुराचार हो रहा है, कोई समस्या आ रही है, तो हमारी माताएं बहनें उन्हें रोकने का काम करती हैं। जो पति सहयोग करने जा रहा है उसे रोकने का काम करती है, उसे आगे बढ़ाने का काम नहीं करती है। इसलिए मैं यहाँ उपस्थित जितनी माताएं बहने हैं, अच्छा ये बेटियां हैं, ये आज प्रण करें कि जब भी मेरे घर का भाई भाई पिता या छोटा भाई किसी अच्छे काम के लिए जाएगा तो हम उसे रोकेंगे नहीं, समाज के काम में अपना सहयोग करेंगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, समय बहुत कम है, जितने कोई टॉपिक नहीं है, इसलिए बहुत बड़ा विषय हो जाता है, लेकिन आप 10 और 12 की छात्राएं हैं, मैं हर बच्चों से कहता हूँ कि जो आप तपस्या की परिभाषा बच्चों के लिए है, काम चेष्टा बको ध्यानम स्वान मित्रा तछौज अल्पहारी गिर क्या की विद्यार्थी पंच लक्षण, ये 5 लक्षण आपके अंदर होना चाहिए। काम चेष्टा, काम चेष्टा जो कौवे की तरह आप प्रयत्नशील रहिए, बको ध्यानम बगुले की तरह ध्यान लगाइए, स्वान मित्र कुत्ते की तरह सोने का प्रयत्न करिए, ऐसा ना सो जाइए कि घर के लोग पानी भी ये खड़ा डाल दें आप उठे नहीं। तो काम चेष्टा बको ध्यानम स्वान मित्र तथा अल्पहारी थोड़ा खाइए, अल्पहारी मतलब थोड़ा खाइए, गृह त्यागी, गृह त्यागी मतलब पहले गुरुकुल पद्धति में बच्चा अपने घर को छोड़ करके गुरु के आश्रम में रहता था, लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि अपना घर छोड़ के चले जाइए, कल गार्जियन हमारे पास आ जाएंगे। आप घर के विवादों से दूर रहिए, हो सकता है किसी कारण से घर के माँ बाप आपस में लड़ाई कर रहे हो, चाचा चाची लड़ाई कर रहे हो, दादा दादी लड़ाई कर रहे हो, उन पचड़े में ना पड़िए, आपको आगे बढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है, तो आप घर की छोटी छोटी विवादों में ना रहिए अगर अपना भविष्य संवारना है। तो बहुत बार आता है कि सर मैं रास्ते में जा रही थी, लड़का परेशान कर रहे हैं, समाज में आज भी आजादी के 76 साल बाद इस महिलाओं की जो दशा है, मैथिली संस्कृत ने जो लिखा अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी, आज भी बहुत जगह देखने में आ रहा है हमारी घर की महिलाएं बेबस हैं, परेशान हैं, लेकिन महिलाओं की बेबसी में महिलाओं का योगदान सबसे ज्यादा है। अर्थात एक महिला का शोषण अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं एक महिला ही करा रही है, चाहे वो हमारी दादी हो, नानी हो, सास हो या हमारी ननद हो, एक महिला का शोषण एक महिला के हाथों से ही होता है। इसलिए हमें बचना है, इन चीजों से बचना है, समाज में जो बुराइयां हैं उन्हें दूर करना है,
मैं इस जिले की बात करूं और मैं कहता भी हूं लिंगानुपात जो 12 की लड़कियां होंगी वो जान रही होंगी लिंगानुपात क्या है। जिले में लिंगानुपात का मतलब, लिंगानुपात का अर्थ होता है 1000 बच्चों पर कितनी लड़कियां। अरे हमें शर्म आती है कि लड़कियों का पैर तो छूते हैं लेकिन लड़की पैदा नहीं करना चाहते। इसी उत्तर प्रदेश में एक एक जिले ऐसे हैं जहां 1000 बच्चे हैं तो 1040 लड़कियां, लेकिन इस जिले का ये दुर्भाग्य है कि 1000 लड़का पैदा होता है तो इस जिले में 800 मात्र लड़कियां पैदा होती हैं। तो 200 लड़के कहां जाएंगे, कहीं ना कहीं वो समाज में उपद्रव करेंगे, जो समाज में व्यभिचार है, शोषण है, वो उसका रास्ता बनाते हैं। हमें देश में समानता लानी है तो सबसे पहले लड़का और लड़की को बराबरी का दर्जा देते हुए पैदा भी करना है। क्यों कहना नहीं है, एक दिन पैर छुआ लेंगे, एक दिन कन्या पूजा कर लेंगे और लड़की पैदा नहीं करेंगे। हमारी दो बेटियां हैं, बहुत सारे लोग आते हैं कहते अरे साहब एक आध लड़का भी ले लीजिए। ज्यादातर समाज के लोग, हमारी दादी, हमारे रिश्तेदार जो औरतें हैं वो हमारी बीवी को कहेंगे अरे साहब एक बार आगे ट्राई है, मतलब वाइफ क्या मतलब। कहीं ना कहीं हमारा समाज ही हमें सोच रहा है कि लड़का चाहिए। इस देश में जनसंख्या वृद्धि में सर्वाधिक योगदान जनसंख्या पर जब निबंध लिखने के लिए आता है तो ये आता है देश में जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है, तो एक कारण ये भी है कि हम चाहते हैं कि हमारे घर लड़का हो, उसके चक्कर में लड़की 6-6 पैदा हो, कितने घरों में 8-8, उसके बाद 9वें नंबर पर लड़का महोदय आ गए, अब हम पुरुष हो गए, प्रफुल्लित हो गए, सीना चौड़ा हो गया। तो हमें ये धारणा त्याग करनी पड़ेगी, लड़के लड़कियों को अगर हमें केवल कहने से नहीं होता, केवल लड़कियों का पैर छूएंगे लड़की पैदा ही नहीं करने देंगे, लड़कियों को कन्या कन्या खवा देंगे, कन्या को बुला के साल में एक बार खवा देंगे, माला डाल देंगे, अरे बेटी जब पढ़ने जाए स्कूल में परीक्षा देने जाए उस दिन उसको माला डालिए, उसको दही खिलाइए, तब मैं मानूंगा कि हाँ आपने लड़की के लिए सम्मान दिया। बहुत दुर्भाग्य है यहाँ पर, हमारा भाई सामान ढोने जाएगा, हज जाएगा, यात्रा पे जाएगा, तो उसके लिए फूल माला सजाएंगे। हमारे यहाँ क्या कहते हैं वो 7 दिन या 8 दिन रात में वो सोते हैं ऊपर, अरे घास जम जाती है, क्या कहते हैं जवारे, जवारे जो बोने के लिए पूरे रिश्तेदार को बुला लेंगे, लेकिन मेरी बेटी या मेरा बेटा टीसीएस की तैयारी कर रहा हो, इंटरमीडिएट की परीक्षा कर रहा हो, उसके लिए अपना समय नहीं देंगे, कहेंगे बेटा खाना बना लो तब पढ़ना, कहीं ना कहीं हम बेवकूफ हैं, तभी तो ये हो रहा है। एक ओशो ने लिखा है जिस देश की मंदिर और मस्जिद की छतें सोने से मरी हो और विद्यालय की छत छू रही हो वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हमें एक कसम खाना चाहिए, हमें अनुदान देना है, हमें योगदान देना है तो अपने देश के विद्यालय में अनुदान देना है। जो पैसा हम मंदिर मस्जिद में देते हैं वो अगर स्कूल में दें, जिस दिन स्कूल की दीवारें स्कूल की छत सही हो जाएगी उस दिन उस देश का विकास निश्चित। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि जिस दिन हम देवालय के जगह शिक्षालय की ओर प्रस्थान करेंगे वो देश उसी वो देश हमारा देश विकसित देशों में होगा। तो आई हुई छात्राएं इस बात को ध्यान दें, आप मैं एक बात और कहता हूं बच्चों से, आप जिस क्लास में पढ़ते हैं उतने घंटा पढ़िए। मैं धीरेन्द्र शास्त्री नहीं हूँ, बाबा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आज लिख के बता दूँ कि आप जिस क्लास में पढ़ते हैं उतने घंटा पढ़ेंगे, आप जो बनना चाहते हैं वो बनेंगे, ये मेरा वादा। अब कुछ बच्चे कहते हैं BA कर रहे हैं तो BA आप 15 घंटे ही, तो मान लीजिए 12 के बाद 13, 14, 15 पूरे घंटे 24 होते हैं, 24 में आप 15 घंटे पढ़ेंगे तो क्या किए, आप इलाहाबाद में जाइए 24 घंटे में पढ़ने वाले बच्चे 18-18 घंटे पढ़ते हैं। मैं इलाहाबाद का प्रोडक्ट हूँ, मैं इलाहाबाद में पढ़ा हूँ,
18 घंटे बच्चे पढ़ते हैं, 6 घंटे केवल सोते हैं। अगर वो खाना भी बना रहे हैं तो रेडियो पे जो समाचार आ रहा है उसको सुन रहे हैं, वो भी एक पढ़ाई है। लेकिन हम आप क्या करते हैं, अध्यापक ने पढ़ाया और घर गए भूल गए, फिर ट्यूशन वाला पढ़ाया, ट्यूशन वाला नोट कर लिया। ये तय करना पड़ेगा आप सभी को, जो जिस क्लास में है उतने घंटा पढ़ेगा, अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर मेरे पास आ जाना। ये कहना कि मैं उतने घंटे पढ़ा था नौकरी नहीं मिली, मैं वादा कर दिया हूँ आप जो बनना चाहते हैं वो बनेंगे और आगे बढ़ेंगे। मेरा आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और साथ साथ एक निवेदन अंत में करूंगा यहाँ आए हुए सभी लोगों से, बीच में मैंने एक बात और कही है कि आप अपने घर के बच्चे जो भी पढ़ने विद्यालय जाते हैं उनको एक अच्छी तरीके से देख लीजिए कि मेरा बेटा कितना सुंदर लग रहा है या मेरी बेटी कितनी सुंदर लग रही है। मैंने देखा था, पता चला कि एक पैंट यहाँ तक खड़ा है और एक चीज खुली है और वही हम कहा दूसरे जगह जा रहे हैं तो खूब काजल पाउडर सब लगा रहे हैं, विद्यालय भेज रहे हैं तो नहीं देख रहे हैं। आप सीखिए बाबा साहब अम्बेडकर से, बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा कोट टाई में रहते थे, क्या हम अपने बच्चे को कोट टाई में नहीं रह सकते हैं? एक दिन दारू मत पीजिए, गुटखा मत खाइए, शराब मत पीजिए, मांस मछली कम खाइए, लेकिन अपने बेटा और बेटी को, क्योंकि वो कलेजे का टुकड़ा है, जहाँ भी जाए उसे शर्म से आंखें मत झुकाना पड़े, वो सीना तान के खड़ा रहे, जब कोट टाई में होगा तो अच्छा लगेगा। अपने बच्चे को हमेशा अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाइए, कम खाइए, आप गुटखा और दारू छोड़िए। साथ साथ मैं कहता हूँ, अपनी बेटियों से कहता हूँ, अपनी बहनों से भी कहता हूँ, घर का पुरुष जब भी बाहर गाड़ी से जा रहा हो, मोटरसाइकिल से जा रहा हो, तो उसे अन्य सामान जैसे आप मोबाइल छूट गया लेते जाइए, कहते हैं मोबाइल छूट गया लेते जाइए, अरे वो झोला छूट गया लेते जाइए। कभी किसी ने नहीं कहा कि हेलमेट छूट गया, हेलमेट लेते जाइए। आप मोटरसाइकिल से जब भी कहीं भेजिए अपने पति को, अपने बेटे को, अपने भाई को, तो हेलमेट दीजिए, और हेलमेट आपकी सुरक्षा करता है। साथ साथ जो फोर व्हीलर चलाते हैं उनसे कहिए कि सीट बेल्ट जरूर लगा दें। और घर में जो भी बुराई है, बुराइयों को दूर करने का एकमात्र तरीका, आप लड़ाई नहीं लड़ेंगे, केवल आप टोकेंगे। पापा गुटखा खाते हैं, कहिए पापा गुटखा खाने से क्या फायदा है, अगर गुटखा खाने से फायदा है तो हम भी खा लिया करें, केवल इतना कहना शुरू करेंगे। दारू पीने से कोई फायदा है तो हम भी पियेंगे। आप कहिए, जैसे जैसे कहना शुरू करेंगे घर का आदमी दारू और गुटखा छोड़ देगा। अंतिम बात यही मैं कहूंगा, घर का दारू गुटखा जिस दिन छूट जाएगा उस दिन घर में लड़ाई छूट जाएगी, आपकी पढ़ाई आगे बढ़ जाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रेम भारती जी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि मंदिरों की ओर जाने वाली भीड़ यदि स्कूलों की ओर चली जाए, विद्यालय की ओर चली जाए, तो हमारा देश अपने आप विकास कर जाएगा। लेकिन हमारे समाज में महिलाएं पाखंडवाद में ज्यादा डूबी हुई है, कुछ भाई भी डूबे हुए हैं, तो पाखंडवाद से हटकर हमें विद्यालय की ओर जाना चाहिए। जिस घर में बच्चे नहीं होते उस घर में सूरज की रोशनी भी कम पड़ जाती है, क्योंकि लड़का घर का दीपक होता है, लड़की घर की रोशनी होती है। जिस तरह से लड़का समाज में अपना नाम कमाता है, उसी समाज में बेटियां भी किसी काम में कम नहीं है। मैं कुछ पंक्तियां इन बेटियों के लिए कहूँगा कि जो कर ना सका बेटा वो कर जाती हैं बेटियां, जो कर ना सका बेटा वो कर जाती हैं बेटियां, छोड़कर बेटों को पीछे आगे बढ़ जाती हैं बेटियां। होती है एक घर की रोशनी, दूसरे घर को भी जगमगाती हैं बेटियां। बेटा तो एक ही कुल की शान होता है, पर दो बेटों की शान को बढ़ती है। बेटा तो एक ही कुल की शान होता है,
पर जो जो बड़ों की शान को उखाड़ती हैं बेटियां, फिर भी दुनिया वाले क्या कहते हैं कि बोझ होती हैं बेटियां, बोझ होती हैं बेटियां, बोझ होती हैं बेटियां।